नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दिया 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा। पीएमएवाई ग्रामीण के तहत बने 2 लाख से ज्यादा घरों का कराया गया गृह प्रवेश। 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएमएवाई शहरी के तहत निर्मित मकानों का भी लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी ने चित्तौड़गढ़ में राजस्थान को दी विकास की सौगात। 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मेहसाणा, भरिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन भी राष्ट्र को समर्पित। गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों महान व्यक्तित्व को अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, बापू के सपनों को पूरा करने की दिशा में करते रहेंगे काम। शास्त्री जी के नारे आज भी प्रेरणा के स्रोत। बिहार में जातिगत सर्वे जारी होने पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना। सर्वे को बताया समाज में भ्रम पैदा करने वाला। पश्चिम बंगाल के मनरेगा घोटाले की होगी सीबीआई जांच। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ममता सरकार के कार्यकाल में मनरेगा सहित तमाम ग्रामीण विकास योजनाओं में हुई है धांधली। बंगाल सरकार ने बार बार मांगे जाने के बावजूद नहीं उपलब्ध कराए सही आंकड़े। एनआईए की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छापेमारी। गुंटूर, नेल्लौर, तिरुपति समेत कई शहरों में वामपंथी उग्रवाद और नक्सली मामले में बड़ी कार्रवाई। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा। कैटालिन कारिको और ड्र्यू विस्मैन को मिलेगा चिकित्सा का नोबेल। न्यूक्लियोसाइड संबंधित खोजों के लिए दिया गया सम्मान। कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों में मिली थी मदद। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने अंतिम पूल मैच में बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। अब तक भारत 13 स्वर्ण पदक जीतकर चौथे स्थान पर काबिज। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने ग्वालियर में करीब 19,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया और इसे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह एक्सप्रेसवे देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के पीएम के विजन की एक और मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1880 करोड़ रुपए से ज्यादा की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से ज्यादा घरों के गृह प्रवेश का भी आज शुभारंभ किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएम आवास योजना शहरी के तहत निर्मित घरों का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने ग्वालियर और श्योपुर जिलों में 1530 करोड़ रुपए से ज्यादा की जल जीवन मिशन परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इनसे क्षेत्र के 720 से ज्यादा गांवों को लाभ होगा। सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के तहत इसे बड़ी पहल भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों की आधारशिला भी आज रखी। वहीं 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली इस पहल को
स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा देने की दिशा में भी बहुत लाभकारी कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी इंदौर के शैक्षणिक भवन का भी लोकार्पण किया। पीएम ने परिसर में छात्रावास एवं अन्य भवनों की आधारशिला रखी। वहीं प्रधानमंत्री ने इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की भी आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उज्जैन में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप IOCL बॉटलिंग प्लांट, ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र सहित विभिन्न परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर से सुमाफली के बीच चलने वाली ट्रेन को भी आज हरी झंडी दिखाई। अब यहां लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है और मैं देख रहा था इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है। और इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में हुए विकास कार्यों को भी सराहा। पीएम ने कहा कि जितना काम सरकारें एक साल में नहीं कर पाती, उससे ज्यादा विकास परियोजनाओं का तोहफा भाजपा सरकार एक दिन में दे रही है। एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है न विकास का रोड मैप है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत, भारत की योजनाओं से नफरत, अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में विकास परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी आज अवलोकन किया। तो ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री देखते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का ग्वालियर में शानदार स्वागत किया गया। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हुए मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का इस प्रेम के लिए आभार भी जताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के एक और कदम के रूप में महसाड़ा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कई रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई रेलवे परियोजनाओं में चित्तौड़गढ़ नीमच रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ विद्युतीकृत रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर दरहा झालावाड़ 3 धार खंड पर 4 लेन सड़क का भी लोकार्पण किया। वहीं प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। मेहसाणा से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है।
इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। इससे बहनों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की मनमानी राजस्थान का धरती पर नहीं चलेगी। पीएम ने राजस्थान व्याप्त अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर ठगी करने का भी आरोप लगाया। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। अब आप सोचिए कहां 500 करोड़ रुपए और कहां 70,000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, कांग्रेस ऐसे ही ठगी करती है, ऐसे ही झूठ बोलती है। मेरे परिवारजनों, जब भी कांग्रेस को पक्का हो जाता है कि वो चुनाव हारने वाली है तो ऐसी ऐसी झूठी घोषणाएं करने में लग जाती है, अखबारों में टीवी पर छाए रहने के लिए खजाना लुटा देती है। राजस्थान में भी ये ऐसा ही खेल खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन किए। सांवलिया सेठ मंदिर अपनी सुंदरता और विशिष्टता के कारण हर साल लाखों भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। सांवलिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वो पूजा किया करती थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर विजय घाट पहुंचकर उन्हें भी पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की।
संविधान सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम सांसद मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं सिद्धा अमी प्रीति लता वाडेदार। हमारी लड़ाई में आंसू नहीं, खून बहते। हमने भी आंसुओं की जगह खून बहाना शुरू कर दिया है। मैं अपनों का घर तोड़कर देश आजाद नहीं कराना चाहता हूँ। लेकिन देश भी तो हमारा घर है मासूदा। स्वराज को पाने के लिए हम जो कुछ करें वो बिल्कुल सही है। पर आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं तुम जैसी साहसी देशभक्त महिला को तैयार कर रहा हूँ। स्वराज में देखिए वीरांगना प्रीति लता वाडेदार की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सतना जिले के चित्रकूट में बनी है गायों के लिए एक खास गौशाला। गुजरात के खेड़ा में बच्चों ने बनाया एक अनोखा बैंक, जिसका बच्चे ही कर रहे हैं संचालन और लोगों को दे रहे हैं विशेष संदेश। तो आपको लेकर चलेंगे एक स्ट्रीट लाइब्रेरी में, जो बनी है जरूरतमंद बच्चों के लिए। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तेलंगाना के निजामाबाद की एक दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़ी करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के फेस एक की 800 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना एवं 76 किलोमीटर लंबी सिद्धिपेट सिकंदराबाद सिद्धिपेट ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तेलंगाना में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन के तहत पूरे प्रदेश में बनाए जाने वाले 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं भाजपा ने आज अपने 2 नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के नामों का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार से अजय आलोक और दिल्ली से प्रत्युष कंठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट अब जारी कर दी है। बिहार प्रशासन के अधिकारी संतोष मल ने जनगणना के लिए आंकड़े जुटाने के लिए विकसित किए गए एप्लीकेशन के विषय के बारे में बताया। जातिगत जनगणना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जातिगत जनगणना सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को नौकरी देने का रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए था। जातीय जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलके राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा विधायकों ने राज्य विधानसभा के अंदर राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
पश्चिम बंगाल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पश्चिम बंगाल में काफी समय से शिकायतें आ रही थीं। वहां गई टीम की जांच से पता चला कि इन योजनाओं के रुपयों का इस्तेमाल राज्य सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही थी। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने वामपंथी उग्रवाद नक्सली मामले में आज बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60 से ज्यादा संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों राज्यों में संदिग्धों के परिसरों और ठिकानों पर अभी भी छापेमारी जारी है। खुफिया इनपुट के बाद आज सुबह से ही एनआईए की अलग अलग टीमों ने राज्य पुलिस बलों के साथ संयुक्त अभियान में छापेमारी शुरू कर दी। तेलंगाना के हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के गुंटूर, नेल्लौर, तिरुपति में रेड जारी है। सूत्रों के मुताबिक जिन संदिग्धों के घरों पर छापेमारी की गई है उनके नक्सली समर्थकों के साथ संबंध होने का शक है। इससे पहले 9 सितंबर को एनआईए ने अगस्त 2023 के एक मामले के संबंध में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में छापे और तलाशी की थी। इस दौरान विस्फोटक सामग्री, ड्रोन और एक लेथ मशीन की भी बरामदगी की गई थी। वहीं चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। अलग अलग खेलों में खिलाड़ी मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कई खिलाड़ियों ने पदक जीतकर इतिहास भी रच दिया है। वहीं दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऐसे ही कुछ पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को पदक विजेता खिलाड़ियों पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अच्छे खिलाड़ियों के चयन में फेडरेशन की भूमिका अहम है, इसी वजह से ज्यादा खिलाड़ियों को सफलता मिली है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व की सुविधाओं और 9 साल पहले की सुविधाओं में काफी फर्क है, ये खिलाड़ी खुद बताते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज 24 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है जिनमें 13 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने उम्मीद जताई कि एशियाड के 7 दिन बचे हैं और इस दौरान भारत अब तक के सबसे अधिक मेडल जीतेगा। एक बहुत बड़ा बदलाव भारत की खेलों में आया है। अगर आप पूर्व के खिलाड़ियों से मिलेंगे उस समय की सुविधाएं और पिछले 9 वर्षों में बदली सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर है। और कहीं ना कहीं ये टॉप स्कीम के कारण और खेलो इंडिया अभियान के कारण, टॉप्स ने कोर और डेवलपमेंट एथलीट के ऊपर काम किया तो खेलो इंडिया अभियान में यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी शानदार परफॉर्मेंस देकर जल्द ऊपर आने का अवसर मिल रहा है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्र्यू विस्मैन को दिया गया। इन्हें न्यूलोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चुना गया है। स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में चंडीगढ़ शहर को सर्वश्रेष्ठ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, सर्वश्रेष्ठ मोबिलिटी प्रोजेक्ट और सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता प्रोजेक्ट से सम्मानित किया गया। साथ ही इस शहर ने अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में भी शानदार काम किया है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी की सीईओ आनंदिता मित्रा से बात की है हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में चंडीगढ़ शहर ने भी बाजी मारी है। चंडीगढ़ शहर ने ये कामयाबी कैसे हासिल की है इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ की कमिश्नर मौजूद हैं। चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है। चंडीगढ़ ने जब अपने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए तो उन्होंने डिज़ाइन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से किए। हमें उस वक्त सैनिटेशन की ज़रूरत थी, हमें उस वक्त लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत थी और हमें उस वक्त अपने ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए IEEE इत्यादि की ज़रूरत थी और एक इंटीग्रेटेड ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो
साथ ही में हमें एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारे चंडीगढ़ के लोग साइकिलिंग करना पसंद करते हैं, और उसके साथ ही चंडीगढ़ की जो पर कैपिटा व्हीकुलर ओनरशिप है दैट इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री, इसकी वजह से बहुत ज़रूरत थी कि हम एक साइकिलिंग ओरिएंटेड प्रोजेक्ट करें। तो हमने प्लान उस तरह से किया और विद मेटिकुलस एग्जीक्यूशन आज हमें ये मान सम्मान जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। कितने प्रोजेक्ट्स आपने वहाँ पे शुरू किए और कितना प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ, अगर हम स्मार्ट सिटी के लिहाज से शहर की बात करें? चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के मिशन फंड्स में 36 प्रोजेक्ट जो है वो लिए गए, 36 में से 34 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और एक जो 24/7 वाटर सप्लाई का पैन सिटी का प्रोजेक्ट है वो हमारा 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, सिटी ने अपना एक बेहतर तरीका अपनाया, चंडीगढ़ के सामने ये चुनौती है या उसके पास उसके लिए उसने बेहतर प्रबंधन कर रखा है? चंडीगढ़ के अंदर 50% फॉरेस्ट कवर है और उसके हिसाब से हमारे अपने जो सॉलिड वेस्ट के चैलेंजेस हैं वो अलग हैं, तो उसमें डोर टू डोर कलेक्शंस, सेग्रीगेशन करना, प्रोसेसिंग करना, ये हम बाकी शहर जैसे कर रहे हैं, हम भी उसी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हुए नई एसटीपी प्लांट्स लगाना, नए वो उसको वाटर को रिसाइकल करना, इन सब में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने अब हॉर्टिकल्चर वेस्ट को और ख़ासकर वाटर जो ट्रीटेड वाटर है उसको रिसाइकल करके इनको हॉर्टिकल्चर यूज़ में लाना और उनको इंडस्ट्रियल यूज़ में लाना, ये दो तीन चीज़ें ऐसी करी हैं जो कि बाकी शहर से थोड़ा सा आगे है। चंडीगढ़ शहर ने न केवल अपने प्लानिंग पे ध्यान दिया है बल्कि उसका जो प्रबंधन है, चाहे कचरा प्रबंधन से लेके बाकी एक शहर को कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, उसकी सभी तैयारियाँ चंडीगढ़ शहर के पास है। कैमरामैन मोहित विके के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, इंदौर। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।